स्कूल संचालक से 30 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार। फिल्म देखकर बनाई थी रंगदारी की योजना, दी थी 4 दिन की मोहलत। संवाददाता संदीप फिजा। रायबरेली जिले में निजी स्कूल संचालक से 30 लाख की रंगदारी मांगने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस चौखट पर ज्ञान लिया वहीं से अपने काले कारोबार की शुरुआत की, लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि गुनहगार एक न एक दिन पुलिस के चंगुल में फंस ही जाता है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े पहले इन दो युवकों को गौर से देखिए। इनका नाम है अंशुमान सिंह और अमरेंद्र सिंह। दरअसल इन दोनों युवकों ने शूटर फिल्म देखकर अपने जुर्म की दुनिया की शुरुआत इसी चौखट से शुरू की, जहां पर इसने शिक्षा दीक्षा ली। फिलहाल पुलिस व एसओजी टीम ने आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। करते हैं यहाँ न्यू स्टैंडर्ड स्कूल ग्रुप के मालिक शशिकांत शर्मा। वो उनके फ़ोन पर 5 तारीख को एक कॉल आता है जिसमें उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आपने ये पैसे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो 4 दिन के अंदर आपका मर्डर हो जाएगा। और उस कॉलर द्वारा इनके परिवार के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई, जैसा कि उसने ये बताया कि हम सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे और पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। इसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल मलेरिया थाने में दी गई और इस टीम में पूरी एक टीम गठित की गई सीओसीटी के नेतृत्व में, जिसमें सीओसीटी और इंस्पेक्टर मलेरिया और हमारे एसओजी प्रभारी लगे, और 2-3 दिन के प्रयास के बाद इसका खुलासा हुआ। और इसमें जो इसका मास्टरमाइंड एक अमरेंद्र सिंह नाम का लड़का आया जो इसी के स्कूल का छात्र था और उसके पिताजी भी वहाँ काम भी करते थे, जिसकी वजह से इसको जानकारी थी। ये इस लड़का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में से कर रखा है, लेकिन इसकी संगत बिगड़ गई थी और इसने पूछताछ पर ये बताया कि जो है ये उसने शूटर फिल्म कोई देखी थी जिसमें इसका तरीका अपराधा बताया गया था, उसी से जो है इसने ये तरीका ईजाद किया। और अपना जो उसका ममेरा भाई है एक अमरेंद्र सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सर किस लिए घटना वजह क्या निकल गया किस और इन्होंने पूछताछ पे और जिस फ़ोन को इन्होंने इस्तेमाल किया था और जो इनका फ़ोन था जब उसकी उसको जो है हम लोगों ने देखा तो उसमें कुछ ऐसे फ़ोटो थे जिसमें इनके पास नाजायज असलहे भी थे। उस नाजायज असलहे को जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसे वो भी बरामद किए गए। और इसके बाद मुख्य रूप से जो इनका काम था ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए पैसे कमाना और एक बिगड़ गए थे तो उसकी अपराधी प्रवृत्ति के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो पहली बार सर घटना है कि हाँ अभी इनके द्वारा पहली बार की ये शुरुआत थी और इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अपेक्षा में। यानी इन पर कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है? कोई पिछला आपराधिक